तो आज की क्लास हम लोग आज पांचवा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। जितने लोग लाइव हैं बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी लोग बता दीजिएगा कमेंट करके ऑडियो वीडियो क्लियर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज पांचवा यूपीपी का जो आप प्रैक्टिस सेट है, ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इस क्लास में हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है। टोटल हम लोग 50 सेट करने वाले हैं। चलिए तो सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम सभी लोग। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सबसे पहले कह रहा है इच्छा, तो इच्छा से हम क्या करेंगे, कोई सेंटेंस बनाएंगे। तो इच्छा क्या होती है? इच्छा होती है, ठीक है, इच्छा किसी व्यक्ति की इच्छा क्या होती है? होती है, ठीक है, तो इच्छा होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र फिर क्या कह रहा है, रक्षा की जाती है, ठीक है, और योग्यता भी क्या होती है, योग्यता भी होती है। तो योग्यता क्या हो, स्त्रीलिंग हो गया, राष्ट्र जो है हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो ए, क्वेश्चन नंबर पहले का क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, राष्ट्र हो जाएगा। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहे भाई। राजवीर जी, राजवीर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजवीर, राजवीर जी। चलिए अगला कह रहा है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं बताइएगा। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? तो हमारा जो शब्द है, पहला क्या है, लड़का, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है प्राण, और चौथा है क्या है, वधू है। तो क्या सदा जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, क्या है हमारा, प्राण हो गया, ठीक है, प्राण हो गया। और बताइएगा सभी लोग कौन कौन से, प्राण हो गया, ठीक है, बताइएगा सभी लोग, कमेंट करते रहिए। चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी लोग बता दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए क्लास को, सभी लोग, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए तो क्या होते, कौन कौन से होते हैं सदा जो बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं? प्राण हो गया हमारा, दर्शन हो गया, और क्या हो बताइएगा, आंसू हो गया, ठीक है, आंसू हो गया, और बताइएगा कौन सा सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, हस्ताक्षर हो गए, कौन सा, हस्ताक्षर हो गए। तो ये क्या है, सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे क्या हैं, शब्द होते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रयोग हमेशा हम किसके रूप में करते हैं, बहुवचन के रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ने किस कारक का चिन्ह, क्या ने किस कारक का चिन्ह है, तो बताइएगा किस कारक का प्रसर्ग ने होता है, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। तो कर्ता, कर्ता का क्या होता है हमारा, कर्ता का ने प्रसर्ग होता है, ठीक है। कर्म का क्या है, कर्म, कर्ता ने कर्म को हो गया हमारा, करण से हो गया। संप्रदान क्या होगा, संप्रदान का के लिए होगा, क्या होगा, के लिए हो जाएगा। तो सही प्रसर्ग क्या है बताइएगा सभी लोग, सही प्रसर्ग क्या है सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन क्या कह रहा है, ने किसका प्रसर्ग है, तो ने किसका है हमारा, कर्ता ने होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ता प्रसर्ग क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। अंकुर जी, ए अंकुर जी नमस्कार। चलिए सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। अगला है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो सर्वनाम है कौन कौन सा है बताइएगा। सर्वनाम क्या होते हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या कह रहा है प्रश्न, कौन सा सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए क्या है, घर, घर क्या है हमारा, संज्ञा पहाड़ क्या है, संज्ञा है नदी क्या है हमारी, संज्ञा है जो आप है वो क्या है हमारा, सर्वनाम है, ठीक है। आप क्या है, सर्वनाम है, और किस प्रकार का सर्वनाम है हमारा, निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। तो आप जो है हमारा कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, निजवाचक सर्वनाम हमारा क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। आप के साथ में और कौन सा है बताइएगा, स्वयं भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, स्वयं भी हमारा निजवाचक सर्वनाम है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या हो जाएगा, फोर का बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फोर का बी क्या है, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, ठीक है, तो विशेषण शब्द की पहचान करिए। अंकुर जी का क्या है, फोर का बी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण की पहचान कीजिए। तो विशेषण शब्द की हमें पहचान करना है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगर पहला कह रहा है लंबाई, तो लंबाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका जो विशेषण होता है क्या होता है बताइएगा? लंबा होता है, लंबा व्यक्ति। ठीक है, लंबाई क्या है? विशेषण है। ठीक है, बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा का क्या हो जाएगा विशेषण? बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा हो जाएगा। और बुढ़ापा क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा है। लंबाई क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा है। समझ क्या है बताइएगा? संज्ञा है। शांत जो है क्या है हमारा? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, उसका गुण है, ठीक है, शांत। ठीक है, तो क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति शांत है तो उसकी जो विशेषता है व्यक्ति की क्या है? शांत व्यक्ति है, यानी कि उसका वो गुण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रेरार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरार्थक क्रिया कौन सी है तो बताइएगा? प्रेरार्थक क्रिया के बारे में बताइएगा क्या है? गिरना, बोलना, सुनाना। ठीक है, प्रेरार्थक क्रिया क्या है हमारा? सुनाना। ठीक है, कहना, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अंकुर जी 5 कड़ी, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बताइएगा, कह रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, वाक्य में काल है। ठीक है, तो लड़के ने क्या किया है? पुस्तक पढ़ी है, मतलब क्या है? उसने काम को पूर्ण कर लिया है। तो कौन सा काल हो जाएगा बताइएगा? सामान्य वर्तमान। ठीक है, सामान्य वर्तमान नहीं होगा, पूर्ण वर्तमान, यानी कि लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है तो क्या हो जाएगा हमारा? वर्तमान में क्या हो जाएगा? कार्य पूर्ण हो चुका है, तो क्या हो जाएगा हमारा बताइएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब क्या होता है? तत् मतलब बाद में, भव मतलब होना, यानी कि जो शब्द संस्कृत से परिवर्तन, संस्कृत से क्या हुआ है? उनमें विकार हुआ है और क्या हुआ है? परिवर्तन होके वो प्रयोग किए जा रहे हैं हिंदी में, उनको हम कौन से शब्द की श्रेणी में रखते हैं? तद्भव शब्द। और तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत निष्ठ शब्द, यानी कि जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे वैसे ही शब्द अभी भी प्रयोग किए जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, तद्भव क्या हो जाएगा? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और क्या है? आशा। तो बताइएगा इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? सभी लोग कमेंट करते रहिए। 6 का C, 7 का B, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा? 6, 7, 8 का बताइएगा सभी लोग, 8 का क्या हो जाएगा? अचरज, जलद नांगे अचरज नाही। ठीक है, जलद नांगे अचरज नाही। तो अचरज शब्द है क्या है? ये शब्द बना है किससे? आश्चर्य से बना है। किसका तद्भव है? ये आश्चर्य का तद्भव है। किसका है? आश्चर्य का तद्भव है। ठीक है, तो आश्चर्य का तद्भव क्या है हमारा? अचरज। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा, है ना? चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो आश्चर्य क्या है? तत्सम, और उसका तद्भव क्या है? अचरज। बहुत ही बेहतरीन, अंधकार और क्या है? आशा। ये सब अंगरक्षक हमारे कौन से हैं? ये सभी जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, शीत, अगला प्रश्न क्या रहा है? 9 में क्या कह रहा है? शीत का विलोम होगा। विलोम क्या होगा बताइएगा? शीत का विलोम। ऑप्शन ए क्या कह रहा है बताइएगा? ऑप्शन ए कह रहा है ठंड। शीत का मतलब क्या है? ठंड, यानी कि ये क्या हो गया? समानार्थक हो गया, पर्यायवाची हो गया। ठीक है, अगला है गीत, तो शीत का गीत होगा? नहीं होगा। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला, सांवला, श्याम। ठीक है, तो शीत का जो विलोम हो जाएगा क्या होगा? उत्स होगा। क्या होगा? उत्स होगा। तो सबसे जवाब क्या हो जाएगा हमारा? डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कर का अर्थ नहीं है। तो कर का अर्थ नहीं है, कर मतलब क्या होता है? कर कमल, यानी कि हाथों द्वारा, कह रहे हैं कि कर कमलों द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा क्या किया गया है? मंदिर का उद्घाटन किया गया है। चलिए नीरू वर्मा जी, गुड इवनिंग नीरू जी, चलिए सभी लोग बताइए, कर का अर्थ नहीं है तो कर मतलब क्या होता है? कर मतलब होता है हमारा हाथ होता है। क्या होता है? हाथ होता है, किरण होती है, और कर क्या होता है?
हमारा टैक्स भी होता है जो हम कर देते हैं वो क्या कहलाता है, टैक्स। कर मतलब हाथ भी होता है और कर मतलब किरण भी होता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, सही जवाब, यानी कि इसका नहीं होता है, कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है जो कठिनाई से मिलता हो। तो कठिनाई से मिलने वाला क्या होता है, कठिनाई से जो मिलता है उसके लिए क्या करना है, एक शब्द हमें एक शब्द बताना है। तो कठिनाई से मिलने वाला क्या कहलाता है बताइएगा, क्या कह रहा है, दुर्गम। ठीक है, दुर्गम, दुर्लभ, अगम और क्या है, सुलभ। ठीक है, तो कठिनाई से जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम, दुर्लभ वस्तु। ठीक है, कह रहे बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, तो क्या है, उसको पाना बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि बहुत ही कठिन है उसे पाने, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है बताइएगा, कमेंट करते रहिए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, महेंद्र सिंह जी 11 का बी, नीरू वर्मा जी बी, चलिए बहुत ही बेहतरीन। बताइएगा 12 का, बताइएगा अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म है। तो देखिएगा, अनिल मतलब क्या होता है हमारा, अनिल मतलब होता है वायु होता है, और अनल मतलब क्या होता है, आग। तो देखिएगा ये हमारा शब्द है क्या, अनिल है, क्या है, अनिल है, और दूसरा क्या है हमारा, अनल है, क्या है, अनल। तो अनल मतलब क्या होता है हमारा, आग होता है। ठीक है, आग होता है, और इसका मतलब क्या होता है, वायु होता है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा आ, और इसको कर लीजिएगा नील। याद करने का तरीका मतलब आप और आग कर लेंगे, और नील मतलब नहीं। ठीक है, इसको अंग्रेजी से रिलेट कर लीजिएगा, आग जिसमें नहीं होगी वो क्या होगी, हमारी वायु हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको मिलेगा तो क्या रहेगा, अनिल, इसको याद कर लीजिएगा, आग इसमें नील है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, वायु हो जाएगा, और अनिल मतलब क्या होता है, आग होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आग नील यानी कि वायु हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, अनिल मतलब वायु, और ठीक है, अनिल मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आग हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है पराजय में क्या है, उपसर्ग कौन सा है। तो पराजय में हमें उपसर्ग की पहचान करना है, तो पराजय में उपसर्ग की पहचान करिए बताइएगा। ठीक है, तो परा मतलब क्या होता है हमारा, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। जैसे जय हो गया तो उसका क्या होगा, होगा पराजय होगा। ठीक है, तो उपसर्ग बताइए, उपसर्ग बताइए, उपसर्ग जो है हमारे शब्द के प्रारंभ में लगकर क्या करते हैं, शब्द का, शब्द में विकार उत्पन्न करते हैं, शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, है ना। चलिए, तो बताइएगा पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में उपसर्ग क्या है, पा उपसर्ग है। ठीक है, पा से अगर करेंगे तो राजे बनेगा, तो राजे कोई शब्द है हमारा नहीं है। ठीक है, पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, तो और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आजे, आजे बचेगा कोई शब्द हमारा, नहीं बचेगा, दूसरा ऑप्शन भी कट हो जाएगा। परा मतलब क्या होता है हमारा बताइएगा, उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, मतलब जय का उल्टा पराजय हो जाएगा, क्या उपसर्ग है हमारा, परा। ठीक है, तो परा उपसर्ग है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा हमारा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है लिखावट में प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं, तो प्रत्यय कहाँ पे लगेगा बताइएगा, बाद में लगेगा, कहाँ पे लगेगा, बाद में लगेगा। तो बताइएगा लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, तब तक एक बार आपके कमेंट देखते हैं हम। महेंद्र सिंह जी 11 का बी, महेंद्र सिंह जी 12 का ए, नीरू जी 12 का ए, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, नीरू वर्मा जी सी, चलिए बहुत ही बेहतरीन। बताइएगा तो लिखावट में क्या है प्रत्यय, लिखावट में हमारा आवट प्रत्यय होगा, कौन सा, आवट प्रत्यय, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो लिखावट में जो प्रत्यय है क्या है, आवट प्रत्यय है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न कह रहा है महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए, बताइएगा महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए, महोत्सव का संधि विच्छेद सभी लोग बताइए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। शालिनी यादव जी 11-14 का डी, शालिनी यादव जी, जय हिंद, जय हिंद शालिनी जी। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद मतलब क्या होता है बताइएगा, संधि विच्छेद,
चलिए तो क्या हो जाएगा, महोत्सव का संधि विच्छेद, महो धन उत्सव, तो महो कोई शब्द सुना है आपने, नहीं सुना है कट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, मही धन उत्सव, मही शब्द सुना है नहीं सुना है काट देंगे। फिर क्या है, महाधन उत्सव, ठीक है, महाधन उत्सव। फिर क्या है, माधन उत्सव, तो सभी ऑप्शन हमारे कट गए, महाधन उत्सव। लेकिन हम ऑप्शन काटने पे ही नहीं डिपेंड रहेंगे, हम उसको सीखेंगे भी कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे करते हैं महा, ठीक है, संधि विच्छेद को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमें क्या परिणाम मिलता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, माँ से क्या करेंगे, इसको स्वर रहित करेंगे, क्या निकलेगा हमारा बताइएगा, दीर्घ आ निकलेगा, दीर्घ आ निकलेगा। उसके बाद में क्या होगा, प्लस, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, ऊ ले लेंगे, ठीक है, लघु ऊ ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, अब ये क्या बनेगा हमारा बताइएगा, आ प्लस ओ मिलके क्या बनता है हमारा बताइएगा, ओ बनता है, क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर आप शब्द को जोड़ लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, हा ये ओ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, महोत्, फिर क्या हो जाएगा बताइएगा, महोत्सव, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, हमारा सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जो बी है वो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, महाधन उत्सव, बहुत ही बेहतरीन। महन जी 15 का 20, शालिनी जी 15 का 20, नीरू वर्मा जी 15 का 20, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों के एकदम सही जवाब हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था, इसमें से अशुद्ध अंश है। चलिए बताइएगा, मैंने घर जाना था, इसमें से अशुद्ध अंश है, तो क्या अशुद्ध अंश है बताइएगा, कौन से पार्ट में क्या है अशुद्धि है बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने घर जाना है में अशुद्धि है। चलिए मैं बताता हूं तब तक, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सर्व मैंने, यानी कि मैंने के स्थान पे क्या होगा, मुझे होगा, ठीक है, मैंने के स्थान पे क्या होगा, मुझे घर जाना है, किसको घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है, सार्वनामिक अशुद्धि है, किस प्रकार की, सर्वनाम में अशुद्धि है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सार्वनामिक अशुद्धि है, ठीक है, सार्वनामिक अशुद्धि होगी यहाँ पे। तो मैंने के स्थान पे क्या प्रयोग होगा, मुझे प्रयोग होगा, क्या होगा, मुझे प्रयोग होगा। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या प्रयोग होगा यहाँ पे, मैंने के स्थान पे मुझे प्रयोग होगा, क्या होगा, मैंने के स्थान पे मुझे प्रयोग होगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का कमेंट, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत ही बेहतरीन। 16 का A, शालिनी जी, महन जी 16 का A, नीरू जी 16 का A, सभी लोगों के बहुत ही एकदम सही सही जवाब आ रहे हैं। चलिए आप लोगों की तैयारी अच्छी है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, 37 में 37 आपके हिंदी में आने वाले हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न कह रहा है, देशभक्ति में समास है, तो देशभक्ति में कौन सा समास है बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके। हम बात करेंगे द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद जो है क्या हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे। द्विग में क्या होता है बताइएगा, प्रथम पद क्या होता है हमारा, प्रथम पद संख्यावाची होता है, क्या होता है, प्रथम पद हमारा संख्यावाची होगा, ठीक है, संख्यावाची होगा प्रथम पद, बहुत ही बेहतरीन। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, संख्यावाची हो जाएगा। तत्पुरुष समास का बताइएगा, अव्यय भाव समास में क्या हो जाएगा, पहला पद क्या होगा हमारा, अव्यय होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। पहला पद क्या होगा हमारा, अव्यय होगा। तो तत्पुरुष समास में हम क्या करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष समास का जो भेद होता है हमारा क्या है, कर्म तत्, ये जो, ठीक है, तत्पुरुष समास का भेद बताइएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देश की भक्ति, देश की भक्ति, ठीक है। तो तत्पुरुष समास जो है कर्मधारय समास होता है, वो किसका भेद होता है, तत्पुरुष समास का, ठीक है। चलिए तो इसका क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो देश की भक्ति हो जाएगा समास विग्रह, ठीक है। तो किस प्रकार का बताइएगा, कौन सा तत्पुरुष है, बताइएगा कौन सा तत्पुरुष होगा यहाँ पे,
शालिनी जी 17 का सी, महन जी 17 का ए, महन जी ओके सर। बताइएगा कौन सा तत्पुरुष समास है यहाँ पे, बताइएगा कमेंट करते रहिए भाई। चलिए बहुत ही बेहतरीन, चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा तत्पुरुष होगा इसमें। अगला कह रहा है गोली चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है, ठीक है बताइएगा कौन सा वाच्य है गोली चलाई जाती है, गोली चलाई जाती में कौन सा वाच्य है। अंकुर जी सी, नीरू वर्मा जी सी, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोगों के बहुत ही बेहतरीन जवाब आ रहे हैं। बताइएगा गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है, ठीक है बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। कौन सा होगा सही जवाब, बहुत ही बेहतरीन अंकुर जी का एकदम सही जवाब है संप्रदान। संबंध काकी के, बहुत ही बेहतरीन संप्रदान बता रही, चलिए संबंध होगा। नहीं देश की भक्ति है, चलिए देश की भक्ति है, बताइएगा गोली चलाई जाती है कौन सा वाच्य होगा हमारा, कर्मवाच्य हो जाएगा, कौन सा वाच्य है कर्मवाच्य, ठीक है क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है कर्म पे, ठीक है कर्म हमारा क्या है गोली, ठीक है बहुत ही बेहतरीन, जब क्रिया का फल किस पे पड़े कर्म पे पड़े, चलिए तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बताइएगा, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या है अव्यय कौन सा है, तो अव्यय क्या होते हैं जिनका व्यय ना हो लेकिन किंतु परंतु और, है ना चूंकि इसलिए, तो ये सब क्या है हमारे अव्यय होते हैं, ठीक है जिनका क्या है लिंग वचन कारक पुरुष, ठीक है लिंग वचन कारक पुरुष आदि के प्रयोग से, आदि के प्रयोग से क्या हो कोई प्रभाव ना पड़े, तो कौन सा हो जाएगा वहां पे बताइएगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं अव्यय बोलते हैं, ठीक है प्राचीन मोटा गरीब और क्या हो जाएगा लेकिन किंतु परंतु और था इसलिए क्योंकि, है ना ये सब क्या है हमारे अव्यय हैं, ठीक है बहुत ही बेहतरीन। 18 के अनीता सिंह जी, 18 का भी, 18 का भी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अनीता जी, चलिए ज्योति जी गुड इवनिंग, सभी लोग बहुत लेट आए आज, सभी लोग लेट हैं। देखिए जो क्लास है आपकी 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है 7 बजे से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट होती है, 8 बजे से आपकी मैथ की क्लास का समय है लेकिन मैथ वाले सर नहीं आ पा रहे हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 19 का डी, चलिए 20 का बताइए, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है बताइएगा, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए, ये क्या हो जाएगा हमारा विस्मय, ठीक है क्या हो जाएगा ये विस्मयादिबोधक, ठीक है विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है प्रश्नवाचक। ये क्या है हमारा लाघव चिन्ह, क्या है लाघव चिन्ह, हिंदी में इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या होता है ये पूर्ण विराम की तरह प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता ही है पूर्ण विराम, ठीक है तो क्या हो जाएगा सी जवाब हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग के कमेंट देखते हैं, 20 का सी, शालिनी यादव जी, ज्योति जी बी, और नेहा सोनी जी सी, ज्योति जी ओह नो, ओह नो क्या ज्योति जी गलत हो गया क्या, चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है बताइएगा, कहेंगे ज्यादा दूध के धुले ना बनो, है ना ज्यादा दूध के धुले ना बनो, तो बताओ क्या हो जाएगा, निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना, बताइएगा बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ज्योति जी ऑप्शन ए बहुत ही बेहतरीन, ज्योति जी का ए, चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या होगा दूध का धुला होना मतलब क्या होता है निर्दोष होना, तो क्या हो जाएगा हमारा ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना, ठीक है बहुत ही बेहतरीन। अगला कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी
उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। शालिनी यादव जी क्या है, 21 का ए। अनीता सिंह राजपूत 21 का ए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। नीरू वर्मा जी ए। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। अंकुर जी का ए। दूध का दूल्हा होना बताइएगा, दूध नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस। 22 का बताइए सभी लोग क्या होगा, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बताइएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं, बिल्कुल बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिसकी लाठी से क्या तात्पर्य है, शक्तिशाली होना, ठीक है। फिर उसी की भैंस मतलब अपना काम सिद्ध कर लेना, ठीक है। जिसके पास लाठी होगी, जिसके पास शक्ति होगी, वो क्या करेगा, अपना काम सिद्ध कर लेगा। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, तो सभी जवाब गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जिसके पास शक्ति होगी वह अपना काम क्या करेगा, बना लेगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। नौकरी चाहे जितनी आए, मुहावर इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, नौकरी चाहे जितनी आए लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसका सोर सिफारिश होगा, है ना। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, आयोग के माध्यम से परीक्षा होती है, जो टैलेंटेड होता है उसको नौकरी मिलती है, है ना। ये पहले के समय की कहावत है। चलिए 22 का बी, बहुत ही बेहतरीन। नीरू वर्मा जी ए, शालिनी जी 22 का बी, नीरू जी बी, अनीता सिंह राजपूत 22 का बी, बहुत ही बेहतरीन। सभी का क्या है, सही जवाब है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 22 का बी। अगला कह रहा है वीर रस का स्थाई भाव है, ठीक है। तो वीर रस का स्थाई भाव बताइएगा, टोटल यहाँ पे रसों की संख्या कितनी है, बताइएगा। रसों की संख्या 9 है, ठीक है। अगर भरत मुनि के अनुसार कहें तो भरत मुनि के अनुसार एक कितनी है, 8 है, ठीक है। तो सभी के स्थाई भाव बताइएगा। टोटल रसों की संख्या अगर हम बात करें 11 होती है, लेकिन 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 क्या बताइएगा, श्रृंगार रस के अंदर भक्ति और वात्सल्य को माना जाता है, इसलिए वास्तव में रसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। भरत मुनि के अनुसार कितनी हो जाएगी, बताइएगा। भरत मुनि के अनुसार कितनी हो जाएगी, भरत मुनि के अनुसार 8 हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो सभी का स्थाई भाव आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए आपके जितने भी यूपीपी में अभी तक के जो प्रश्न देखे हैं, आज पांचवा सेट है, पांचवे सेट में जितने भी रस के स्थाई भाव से ही प्रश्न पूछे गए हैं, रस के स्थाई भाव से ही प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन इससे अगली बार पेपर में इसके रस के प्रकार के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, अभी तक जो देखे हैं प्रश्न 5 सेट हो चुके हैं, सब में क्या स्थाई भाव से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन। 23 का डी शालिनी जी, अनीता सिंह राजपूत 23 का डी, नीरू जी डी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या है वीर रस का स्थाई भाव, बताइएगा क्या हो जाएगा। वीर रस का स्थाई भाव क्या होगा, हमारा उत्साह हो जाएगा। और भय क्या है, भयानक रस का। क्रोध किसका है, रौद्र। और अद्भुत का क्या होता है, विस्मय होता है। अद्भुत का क्या होगा, विस्मय होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न सभी लोग कमेंट करते रहिए। कह रहा है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक देंगे, ठीक है। देखिए दोहा हमारा क्या होता है, छोटा होता है, तो इसमें पहले चरण में मात्राएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है। आपको दोहा सोटा की मात्राएं तो पता ही होंगी, ठीक है। तो क्या होते हैं, जो हमारे प्रथम और तृतीय चरण में क्या है, प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। प्रथम एंड तृतीय जो चरण है हमारा, तृतीय चरण है, मात्राएं कितनी होती हैं, बताइएगा। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी होती हैं, 13-13, ठीक है। तो देखिए दोहा हमारा छोटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा सोठा क्या है, सोठा क्या है, बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका विलोम उल्टा कर लीजिएगा, दोहा में प्रथम चरण में कितनी बड़ी मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है, 13-13 हो जाएंगी, ठीक है। छोटा है तो मात्राएं क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, और यहाँ पे बड़ा है तो मात्राएं क्या हो जाएंगी। इसलिए आप इसको एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप कर लीजिएगा, दोनों याद करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। दोहा छोटा है, मात्राएं क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है। दोहा हमारा छोटा है,
मात्राएं हो जाएंगी बड़ी, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, प्रथम और तृतीय चरण में हो जाएंगी हमारी 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में कितनी हो जाएंगी बताइएगा, द्वितीय और हमारा जो चतुर्थ है चतुर्थ में कितनी कितनी मात्राएं हो जाएंगी बताइएगा, 11-11 हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला क्या कहते हैं शालिनी जी, 24 का सी, ज्योति जी 24 का सी, बहुत ही बेहतरीन, सभी का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, तो कौन सा शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार की भेद बताइएगा, शब्दालंकार क्या है बताइएगा, शब्दालंकार, बहुत ही बेहतरीन, शालिनी जी ने तो पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, वन और थ्री होगा है ना, टू नहीं होगा, वन और थ्री होगा, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में क्या हो जाएंगे 11-11 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शालिनी जी बताइएगा शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं, तो शब्दालंकार के भेद कौन कौन से बताइएगा, यमक, अनुप्रास और क्या है श्लेष, यमक, अनुप्रास और श्लेष, तो तीन भेद होते हैं शब्दालंकार के। तो क्या होगा, जो विकार होगा उसमें क्या होगा शब्द के आधार पर होगा, ठीक है, विकार जो होगा शब्द के अनुसार होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शब्दालंकार के भेद कौन कौन से बताइएगा, यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, और कौन सा हमारा यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार। चलिए बहुत ही बेहतरीन, यमक, अनुप्रास और श्लेष में क्या होगा हमारा शब्दालंकार होगा। चलिए अगला बताइएगा, अगला प्रश्न उसका बताइएगा, कौन सी निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि बताइएगा कौन सी है, सभी लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। ज्योति जी सी 25 का बी, शालिनी यादव जी सॉरी सर जल्दबाजी में गलत हो गया, कोई बात नहीं जल्दबाजी में गलत यहां कर लीजिए लेकिन पेपर में मत करिएगा। अनीता सिंह राजपूत 25 का डी, शालिनी जी 25 का डी। चलिए अगला बताइए 26 का बताइए, तालव्य ध्वनि है, ठीक है, तो हम चलिए बताइएगा टा, तो जो टा वर्ग होता है टा वर्ग में जितने भी हैं बताइएगा, टा वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं क्या होते हैं हमारे मूर्धा होते हैं, क्या होते हैं मूर्धन्य होते हैं, ठीक है, कौन सी होती हैं मूर्धन्य होती हैं, और जो हमारा पा वर्ग है पा वर्ग क्या है बताइएगा ओष्ठ होते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में ओष्ठ का सहारा लेना पड़ेगा, और जो हमारा टा वर्ग है इनके उच्चारण में क्या होगा बताइएगा मूर्धन्य, मूर्धा का प्रयोग होता है, ठीक है। शिवा ब्लॉग गुड इवनिंग सर, देखिए शिवा सर आ चुके हैं तो आगे से हिंदी की क्लासेस शिवा सर लेंगे, ठीक है, काफी दिनों से उनसे कहा जा रहा है कि सर आप आके हिंदी की क्लासेस ले लीजिए, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आगे से आपकी क्लासेस जो है शिवा सर हिंदी की क्लासेस लेंगे, ठीक है। चलिए तो शिवा सर आपका स्वागत है, जल्दी से आइए और बच्चों की क्लासेस यूपीपी की तैयारी आप लोग आप करवाइए, ठीक है। चलिए अभी बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है, फिलहाल हम भी हिंदी की क्लासेस लेते रहेंगे लेकिन शिवा सर भी आपको क्या करेंगे आपका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न क्या है सा, तो ये जो सा होता है पा वर्ग क्या होता है बताइएगा ओष्ठ होता है, इसका उच्चारण क्या है ओष्ठ होता है, ठीक है। अगला क्या है का से होता है कंठ, और का जो वर्ग होगा किस इसका उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ होगा, ठीक है, का से कंठ इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, का से कंठ, तो उच्चारण स्थान क्या होगा का वर्ग कंठ, ठीक है, का से कंठ। चलिए अगला बताइए, सभी लोग बताइएगा सा जो है सा क्या है, ये हमारा ये तालव्य सा है, कौन सा है तालव्य सा है, ठीक है। अगला जो सा है हमारा क्या है दंती सा है, कौन सा है दंती सा है, ठीक है, दंती, और ये सा जो है इसको हम क्या बोलते हैं मूर्धन्य सा, क्या बोलते हैं मूर्धन्य सा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो देखिए इसको याद करने का तरीका यहाँ पे दंती में ना लगा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए ना टाइप का लगा हुआ है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा तालव्य सा, ठीक है, और दंती सा, और क्या है हमारा मूर्धन्य सा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अमित सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं इस टाइम, तो अमित सर इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि अमित सर की सिस्टर की इंगेजमेंट है, और इंगेजमेंट नहीं क्या बोलते हैं परीक्षा बोलते हैं, ठीक है, परीक्षा है कल, तो इसलिए वो घर गए हुए हैं, तो
कल से उनकी क्लास, 2 दिन की क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसके बाद वो लाइव लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, ठीक है, कौन सा वर्ण अघोष है, तो बताइएगा प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, टोटल जो कितने होते हैं बताइएगा। हमने का वर्ग के अक्षर लिखे हैं, क्या है, का खा और गा घा अंगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखिएगा यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो अघोष होते हैं, अघोष कौन से होते हैं बताइएगा, जो पहला दूसरा होता है हमारा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग क्या कहलाता है, अघोष, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाता है, ये हमारा सघोष कहलाता है, क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है, ठीक है। पहला दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, दूसरा चौथा पांचवा क्या कहलाएगा, हमारा सघोष कहलाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में कौन सा हो जाएगा बताइएगा, अल्प प्राण में 1 3 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और महाप्राण में क्या हो जाएगा बताइएगा, महाप्राण में क्या हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। तो इसको इस, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इस कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए, इसमें से बताइए कौन सा अल्प प्राण होगा, कौन सा महाप्राण होगा, कौन सा अघोष होगा और कौन सा सघोष होगा, तो बताइएगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये सघोष हो गया, यहां पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा बताइएगा, अघोष, अघोष में क्या होगा हमारा 1 और 2, इसमें हो जाएगा 3 4 और 5, तो बताइएगा सभी लोग इसमें से जवाब दीजिएगा, इस वर्ग से का वर्ग से बताइएगा, अघोष कौन कौन से हैं, सघोष कौन कौन से हैं, सघोष बताइएगा, अघोष बताइएगा और क्या बताइएगा, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण बताइए, इस का वर्ग में कौन कौन से अल्प प्राण होंगे, कौन कौन से महाप्राण होंगे, कौन से अघोष होंगे और कौन से सघोष होंगे, बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। चलिए तब तक कि हम आपके कमेंट देख लेते हैं और आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चलिए 27 का ए अनीता सिंह राजपूत जी, 27 का है नीरू, 27 का है नेहा सोनी जी, ए, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा अल्प प्राण महाप्राण क्या होंगे, सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है। चलिए खा महाप्राण है, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, गलत सही कुछ भी दीजिए। चलिए शालिनी जी का जवाब आया है खा, खा महाप्राण, चलिए काल्प प्राण, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग इसके जवाब देते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग की पहचान करना है, तो हमें क्या करना होगा, शब्द को लेके क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, शब्द को लेकर क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, जिससे क्या होगा हमें उसके बारे में पता चलेगा कौन सा स्त्रीलिंग है। उपहार क्या किया जाता है, उपहार दिया जाता है, ठीक है, उपहार दिया जाता है, ठीक है, तो उपहार क्या हो जाएगा, दिया जाता है, ग्रंथ, ठीक है, लिखा जाता है, ठीक है, तो ये भी उपहार दिया जाता है, पुल्लिंग हो गया, ग्रंथ भी दिया जाता है, जाता है, पुल्लिंग हो गया, मस्तक, ठीक है, फिर क्या है, रचना की जाती है, ठीक है, रचना की जाती है, ठीक है, तो रचना क्या होगा, रचना की जाती है, ठीक है, तो रचना की जाती है, बाकी में सब क्या है, उपहार दिया जाता है, ग्रंथ लिखा जाता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या हो जाएगा, रचना की जाती है, ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा, डी, सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, अनीता सिंह राजपूत 28 का डी, शालिनी यादव जी डी, चलिए बहुत ही बेहतरीन, नीरू वर्मा जी डी, बहुत ही बेहतरीन, सभी का डी जवाब है। अगला प्रश्न बताइएगा कामायनी के रचनाकार हैं, कामायनी के रचनाकार हैं बताइएगा,
कामायनी के रचनाकार कौन है? सभी लोग कमेंट करते रहिए। नीरू वर्मा जी डी। चलिए सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए बताइएगा कामायनी के रचनाकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए सभी लोग जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं के कमेंट करिए। सभी लोग जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के कमेंट करिए। बहुत ही बेहतरीन, कुछ रचनाओं के कमेंट करिए जयशंकर प्रसाद जी की। तो कौन कौन सी है बताइएगा? आंसू। कौन सी? आंसू है। और बताइएगा? झरना। और बताइएगा? लहर। और बताइएगा सभी लोग? बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। बताइएगा सभी लोग? बताइएगा सभी लोग बताइएगा। और उर्वशी, ठीक है। और कोई रचना है कोई कमेंट करेगा? चलिए बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा सभी लोग। अनिता सिंह जी 34 का है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। सुमित्रा नंदन जी पंत जी की बताइए। पल्लव। और कौन सी है? पीड़ा। कौन सी है? पल्लव। और कौन सी? पल्लव हो गई, वीड़ा हो गई। सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई रचना जिसको जो जो याद हो सभी लोग करते रहिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। और कोई बताइएगा सुमित्रा नंदनपंत जी की? युगांत। युगांत का नाम सुने हैं कि नहीं? युगांत। चलिए अगला है निराला जी की, बताइएगा निराला जी की। सभी लोग बताइए, कोई भाई कमेंट नहीं कर रहा है। सूर्यकांत निराला जी की बताइए। बेहतरीन। महादेवी वर्मा जी की बताइएगा। नीरजा। और कौन सी? यामा। सभी लोग बताइए भाई कमेंट करते रहिए। विशाल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विशाल जी। चलिए अनीता सिंह जी वीड़ा। बहुत ही बेहतरीन। चलिए इनकी क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। निराला जी की कौन सी है? अनामिका है। अनामिका है। और कौन सी बताइएगा? अनामिका। परिमल। परिमल। और कौन सी बताइएगा? अनामिका परिमल। और बताइएगा सभी लोग? बताइएगा सभी लोग। और क्या है? इन्होंने तुलसीदास भी लिखी है। कौन सी? तुलसीदास। महादेवी वर्मा जी की बताइए। महादेवी वर्मा जी की बताइए। महादेवी वर्मा जी की बताइएगा। अतीत के चलचित्र। और कौन सी है बताइएगा? दीपशिखा। बाकी तो सब याद ही होंगी आपको ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइए गोदान। गोदान किसकी किसका उपन्यास है? तो गोदान किसका उपन्यास है सभी लोग बताइएगा। चलिए नीरजा यामा रश्मि। बहुत ही बेहतरीन। और कोई बताइएगा सभी लोग? अनीता सिंह जी रश्मि, यामा सालनी जी यामा रश्मि। बहुत ही बेहतरीन। चलिए गोदान किसका उपन्यास है बताइएगा? गोदान किसका है? बहुत ही फेमस है, बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। दीपशिखा। चलिए 35 का भी। चलिए तो गोदान किसकी है? प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी की। और कोई रचना बताइए, बताइएगा प्रेमचंद जी की। निर्मला सुना है? निर्मला। निर्मला कर्मभूमि। और बताइए गोदान हो गई, निर्मला कर्मभूमि। सभी लोग कमेंट करते रहिए। अनामिका। अनामिका विश्वकर्मा जी 35 का भी।
चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग और कौन सी है इनकी बताइएगा। सेवा सदन हो गई, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगली बताइएगा, अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचना है? बीजक बताइएगा किसकी रचना है, बीजक किसकी है? सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। किसकी है बीजक? चलिए मंगलसूत्र भी है, अधूरा उपन्यास, बहुत ही बेहतरीन। आप लोगों की तैयारी बढ़िया है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। बताइए 36 का बताइए क्या होगा, बीजक किसकी है? कबीरदास जी की। और कौन सी है बताइएगा, साखी सबद रामायणी। ठीक है, साखी सबद रामायणी। मलिक मोहम्मद जैसी की बताइएगा, पद्मावत अखराव टाकरी कलाम चित्रलेखा, है ना मलिक मोहम्मद जी की, पद्मावत अखरावत आखिरी कलाम चित्रलेखा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए शालिनी जी का जवाब है मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास कर्मभूमि, बहुत ही बेहतरीन कबीर। चलिए तो क्या हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं? अंधेर नगरी अनुभुज राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा, बताइएगा किसकी रचना है, फेमस रचना है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इस आंसर। चलिए तो आज हम लोगों ने कवर किया पांचवा प्रैक्टिस सेट, तो यूपीपी के जो पांचवा प्रैक्टिस सेट मतलब 5 सेट हम लोग कर चुके हैं, 3 सेट और बचे हैं आपके। 3 सेट के बाद में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की क्लास चलेगी, ठीक है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन से डिस्क्रिप्शन देखिए, वो जो क्लास होगी हो सकता है 25 क्वेश्चन नहीं हो पाए, लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत ही बेहतरीन होगा, जिससे आपके सभी टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पहले करने का तात्पर्य है कि हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जहां से हमें क्या होगा अनुभव मिलेगा, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करके क्या करेंगे, यूपीपी की धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है, यूपीपी में हिंदी जो है उसकी धज्जियां उड़ा देंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे, और आपके 37 में से 37, ठीक है, रचनाएं पर्यायवाची अगर गलत ना हो, ठीक है, बहुत कोई इतनी टफ रचना ना पूछ ले, ठीक है, जो नहीं पढ़ा हो बाकी, ठीक है, कहीं से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, कल मिलते हैं।